हेलो फ्रेंड्स, वेलकम। मैं फिर से आ गई हूँ आपके लिए एक प्यारी सी वीडियो लेकर, जिसमें फ्रेंड्स हम लोग चेक कर रहे हैं आपके पार्टनर्स का आपके बिना क्या हाल है। वो आपको मिस कर रहे हैं, उन्हें अपनी गलतियों का रियलाइजेशन हो रहा है, या फिर ये इंसान अपनी ज़िंदगी में खुश हैं एंड मूव ऑन कर चुके हैं। रीडिंग फ्रेंड्स टाइमलेस है, जनरल है एंड कलेक्टिव है, बट स्टिल फ्रेंड्स जो भी जोडियक साइंस, नंबर्स, डेट्स, इनिशियल्स यहाँ पर इम्पोर्टेंट एंड प्रोमिनेंट होंगे, डेफिनेटली मैं आपको अपडेट करूँगी। विदाउट मच फर्दर अडू, लेट्स गेट स्टार्टेड। फ्रेंड्स, जब मैं डेक को शफल कर रही हूँ, पॉजिटिव एनर्जीज को एक्सचेंज करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें या फिर कमेंट करें। ओम गौरी शंकराय नमः। प्लीज़ यूनिवर्स बताएं मेरे ब्यूटीफुल से व्यूअर्स के बिना उनके पार्टनर्स किस हाल में हैं। हाल तो बेहाल है, जो कि आपको भी समझ में आ गया होगा। फ्रेंड्स, आप में से कई लोग ऐसे हैं जो इतनी सारी रीडिंग्स देखते हैं, मैं तो फिर एक या दो अपलोड करती हूँ, बट आप लोग इतनी सारी रीडिंग्स देखते हैं ना कि आपको कई कार्ड्स का अंदाज़ा तो खुद से ही हो जाता है। ये इंसान फ्रेंड्स काफ़ी ज़्यादा सैड हैं, काफ़ी ज़्यादा डिसअपॉइंटेड हैं। अगर मैं इनकी पर्सनल लाइफ की भी बात करूं, इनका कहीं मन नहीं लग रहा, पूरी रात जागते रहना, पुराने ख्यालों में खोए रहना, कुछ कुछ मिस करते रहना और कोई फैंटेसी फ्यूचर के बारे में सोच कर कि वो नहीं हो पाएगी परेशान होते रहना, ये चल रहा है आपके पर्सन की पर्सनल ज़िंदगी में। डोर टू वैल्यू, ऐसा लग रहा है कि आपके पर्सन ना बहुत मनी ओरिएंटेड और प्रैक्टिकल इंसान है, एंड डेफिनेटली ये अपने लाइफ में अबंडेंस, ग्रोथ और स्टेबिलिटी चाहते हैं, तो इनकी पर्सनल लाइफ में उसकी भी काफ़ी इम्पोर्टेंस है। तो जहाँ ये पूरा दिन काम करते रहते हैं एंड वहीं ये पूरी रात थक हार कर सोने की बजाय पुरानी बातों को याद करते रहते हैं, सैड हो जाते हैं, एलोन फील करते हैं। समटाइम तो इन्हें लगने लगा है इतने पैसे का क्या फ़ायदा जब ज़िंदगी अकेले ही रो रो कर गुजारनी है, क्योंकि जब भी एलोन होते हैं, सैड होते हैं, मायूस होते हैं, तो इनके पास कोई नहीं होता इन्हें सपोर्ट करने वाला, इन्हें समझने वाला। ओ माय गुडनेस, हार्ट ब्रोकन। इन्हें लगता है कि इनके दिल की बातें ना बस आप समझते थे। आप तो फ्रेंड्स इनकी दिल की बातें ना बिना कहे भी समझ लेते थे, लेकिन औरों का इनकी लाइफ में जो वजूद है वो ऐसा है कि ये सबको सपोर्ट कर दें, उनको फाइनेंसेस दे दें, फाइनेंशियली उनको सपोर्ट कर दें, लेकिन जब ये फूट फूट कर रो रहे होते हैं ना तो इनके पास कोई नहीं होता। डिसीट, मुझे तो लग रहा है फ्रेंड्स आप में से कई लोगों को ना इस इंसान ने बहुत गंदा धोखा दिया है, आपके साथ नाइंसाफ़ी की है, और आज ये पर्सन ना खुद धोखे का शिकार हो रहा है या हो रही है। क्लियरली इनकी पर्सनल एनर्जीज़ में निकल कर आया है कि इस पर्सन को किसी से धोखा मिल रहा है, जिसकी वजह से ये हार्ट ब्रोकन है, परेशान है, सैड है, अलोन है। आपके साथ इस कनेक्शन को, आप दोनों के कनेक्शन को बहुत मिस कर रहे हैं, और कहीं ना कहीं क्या खोया है उसकी वैल्यू इन्हें अब समझ में आ रही है। फ्रेंड्स, मैं कुछ नंबर्स और डेट्स की बात करती हूँ, हो सकता है ये आपके लिए, आपके पार्टनर्स के लिए या आप दोनों के रिश्ते के लिए इम्पोर्टेंट हो। एंड ये हैं 7, 25, 16, 4, 22, 13 एंड 31, 11, 29, 20 एंड 20, 2 है ना, 9, 18 एंड 27। ये नंबर्स, ये डेट्स काफ़ी इम्पोर्टेंट दिख रही हैं।
अगर मैं जोडियक्स की बात करूँ तो टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, जेमिनी, लिब्रा, अक्वेरियस, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो की एनर्जीज बहुत प्रोमिनेंट है। कुछ लोगों को पिंक कलर, रेड कलर, येलो या ब्लू कलर बहुत पसंद हो, चांसेस बहुत स्ट्रॉन्ग आ रहे हैं। कुछ लोगों ने पन्ना पहना है, उसके चांसेस बहुत स्ट्रॉन्ग आ रहे हैं। अब हम चेक कर रहे हैं आपके पर्सन आपके लिए क्या फील कर रहे हैं। पर्सनल ज़िंदगी के बारे में तो आप लोग सब कुछ जान चुके हैं, आपके लिए क्या थॉट्स आ रहे हैं। फाइव ऑफ वैंड्स, ऐसा लग रहा है कि कैसे आप दोनों के बीच में बात का बतंगड़ बना, कैसे आप दोनों के बीच में कहा सुनी हुई, लड़ाई झगड़े हुए, कैसे ये रिश्ता टूटकर बिखर गया। ये सब चीज़ें ना आपके पर्सन के दिमाग में ऐसे चल रही है जैसे सामने कोई मूवी। ऐसा भी लग रहा है कि आपके पर्सन ना बहुत कोशिश करते हैं खुद के ध्यान को डाइवर्ट करने की, सो दैट ये अपने फाइनेंसेस पर, अपने करियर पर, अपनी इम्प्रूवमेंट पर फोकस कर पाएं। बट स्टिल ये इंसान चाहकर भी ये सब नहीं कर पा रहे। हमेशा इनका ध्यान इनके फ़ोन पर रहता है। आपकी कोई पोस्ट देख लें, आपका कोई टेक्स्ट या मैसेज रिसीव कर लें, आपके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन इन्हें मिल जाए या आप खुद से इन्हें कॉन्टैक्ट कर लें, हमेशा इनकी वाइब वैसी ही रहती है। बाहर से तो इनकी लाइफ बहुत अच्छी है, ये इंजॉय कर रहे हैं, लोगों के साथ टाइम स्पेंड कर रहे हैं, अच्छा कमा रहे हैं, लोगों को डोनेट कर रहे हैं, लेकिन इंटरनली जो इनके मन में अलोननेस है, सैडनेस है, कहीं ना कहीं ये मायूस और डिसअपॉइंटेड हैं, होपलेस और हेल्पलेस हैं। वो ये आप ही की वजह से हैं और इनकी वो फीलिंग्स बस यही जानते हैं। एंड आई डोंट थिंक इनके क्लोज में कोई इतना है जिसको ये शेयर भी करते होंगे। डेथ एनर्जी है, इन्हें लगता है कि ये कनेक्शन ना इतना बुरा ख़त्म हुआ था कि इस कनेक्शन में अब कुछ बचा नहीं है, लेकिन स्टिल ये इस कनेक्शन को बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं, याद कर रहे हैं, मूव ऑन होने की जितनी कोशिश कर रहे हैं उतना ही इस कनेक्शन पर ये पर्सन स्टक फील कर रहे हैं। आपको ये पर्सन ना फिज़िकली, रोमांटिकली एंड इमोशनली बहुत मिस कर रहे हैं। इन्हें लग रहा है कि इन्हें जो सुकून, जो कंफर्टेबल जोन, जो रिलैक्स जोन आपके साथ महसूस होता था वो कभी किसी के साथ नहीं हो पा रहा है और ना ही कभी हुआ है। ऐसा भी लग रहा है समटाइम इस पर्सन का मन होता है कि क्यों ना ये खुद से इनिशिएटिव लें, आपको कॉल कर दें, मैसेज कर दें या फाइनली मिलने चले आएँ। लेकिन देन इन्हें लगता है कि शायद आप नहीं मानोगे क्योंकि ये आपको अब ग्रो करता हुआ देख रहे हैं, इंडिपेंडेंट देख रहे हैं, हैप्पी देख रहे हैं। इन्हें एक्सटर्नली लग रहा है कि जैसे अब आपको इनकी नीड नहीं है, अब आप इनको अपनी लाइफ में वापस नहीं चाहते हो। तो फाइनली फ्रेंड्स, ये पर्सन बहुत ज़्यादा आपके लिए तड़प तो रहे हैं लेकिन क्या करें, वो इन्हें डेफिनेटली नहीं समझ में आ रहा है। एरीज लियो सैज की एनर्जीज भी फ्रेंड्स यहाँ आ चुकी है। 8, 17, 26 नंबर, 1, 19, 28 10 नंबर, 5, 14 एंड 23 नंबर, या ये डेट्स अगेन काफ़ी इम्पोर्टेंट हो सकती हैं आपके लिए। अब हम चेक कर रहे हैं इनका इमीडिएट एक्शन क्या होने वाला है। 10 ऑफ सॉर्ड्स, ऐसा लग रहा है कि एकदम से इनका कोई एक्शन सॉलिड तो नहीं होगा, बट यस, ये आपको बहुत ज़्यादा नेक्स्ट 7 to 10 hours और नेक्स्ट 7 to 10 days में ये आपको बहुत ज़्यादा स्टॉक करना शुरू कर देंगे, आपके बारे में बहुत ज़्यादा सोचना शुरू कर देंगे, पास्ट में बहुत ज़्यादा खोए हुए रहेंगे। एंड अगर ये किसी कनेक्शन में हैं जो इन्होंने आपके ओवर चूज़ किया है, तो ऐसा लग रहा है कि वहाँ से कट ऑफ करके ये आपकी तरफ आने की कोशिश करें, उसके चांसेस यहाँ पर काफ़ी स्ट्रांग बन रहे हैं। अब क्योंकि नो कॉन्टैक्ट है तो हम चेक कर लेते हैं आपके पार्टनर्स के आपके लिए मैसेजेस क्या हैं। आई एम लकी टू हैव यू, इन्हें अब समझ में आ रहा है कि जब आप इनके पास होते हो तो ये कितने लकी होते हैं और आपकी क्या वैल्यू, क्या वर्थ है इनकी लाइफ में। आई लव यू, डेफिनेटली ये मिलकर आपको टाइट हग करना चाहते हैं एंड बताना चाहते हैं कि ये आपको बहुत प्यार करते हैं एंड दे कांट लिव विदाउट यू।
द रिवोल्यूशन इन आवर स्टोरी इज रियल रोमांस. आपके साथ रोमांटिक साइकिल के लिए ये इंसान डिस्परेट हो रहे हैं, ऑब्सेस हो रहे हैं. नम, आई गॉट नम व्हेन यू किस मी. आपके प्यारे प्यारे रोमांटिक से जेस्चर इन्हें काफ़ी ज़्यादा याद आ रहे हैं, और कहीं ना कहीं ये इंसान उन्हीं जेस्चर्स पर स्टक हो चुके हैं. इन्हें लगता है कि अभी आपके ओवर किसी और को चूज़ नहीं कर सकते, किसी और के साथ भी हैप्पी कभी नहीं रह सकते, एंड सिर्फ इनका अटेंशन इस टाइम आपकी साइड है. हम चेक कर लेते हैं एंजल मैसेजेस मेरे व्यूअर्स के लिए क्या हैं, देन हम करेंगे इस रीडिंग को एंड. फ्रेंड्स, रीडिंग पसंद आई हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में राधे राधे ज़रूर लिखें. ज़्यादा क्लैरिटी के लिए आप लोग पर्सनल रीडिंग्स बुक करा सकते हैं, जिसकी डिटेल डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है. जाएं आराम से चेक करें, इजीली व्हाट्सएप करें, एंड अपने सेशन, अपनी क्वेश्चन आंसर्स रीडिंग को बुक कराएं. रीडिंग्स फ्रेंड्स प्रॉपरली कॉन्फिडेंशियल होती है, आपकी पर्सनल डिटेल इन्फॉर्मेशन कभी किसी के साथ शेयर नहीं की जाती है. रेस्ट फ्रेंड्स, रीडिंग 1-to-1 होती है, जब मैं आपसे बात करूँगी तब वो बात कोई और नहीं सुनेगा मेरे यहाँ से. ओके, देयर इज़ समथिंग बेटर. यूनिवर्स आपको कह रही है कि अगर आज भी आप इस कनेक्शन के लिए तड़प रहे हो, बेचैन हो, वैसे तो इस पर्सन के लौट के आने के चांसेस हैं, बट स्टिल आपको और प्रपोजल्स के लिए भी ओपन रहना है. टेक एक्शन, जो आपके आइडियाज़ हैं उन पे एक्शन ले लीजिए. ठीक है, नो अभी के लिए किसी के किसी क्वेश्चन का आंसर नो है. वो काम आपका इमीडिएटली नहीं होगा, लेकिन विद इन नेक्स्ट 7-10 days आपकी हेल्थ में जो इशू हैं वो इम्प्रूव हो रहे हैं, एंड रेस्ट जो भी सिचुएशन अब है उसमें आप बेटरमेंट फील करोगे. ऑलराइट, मे गॉड ब्लेस यू फ्रेंड्स, टेक केयर.